हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक आर के रिएक्शन में। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि है खान सर की कॉमेडी का। तो पढ़ाते समय खान सर जबरदस्त तरीके से एग्जाम्पल्स देते हैं और पढ़ाते हैं, और उसी में उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जहाँ पे इतनी ज्यादा कॉमेडी हुई है। तो ऐसे ही कंपाइलेशंस के साथ कंप्लीट वीडियो खान सर का है, जिसमें अलग अलग किस्सों को पढ़ाते हुए उन्होंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि हंसते हंसते आपका पेट दुख जाएगा। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है ना, लड़की सब नौटंकी करती है। सर तुमने मुझे धोखा दिया, जाओ मैं अपना नस काट लूंगी। ससुरी घुसी आती है, सर तो नसवा काट लेती है। सर ये बकलोलिया, ऊपर वाला सिरा काहे काट रही है, कचकचा के काटना एकदम धमनी, तब समझ में आएगा। आपको कोई अगर ब्लैकमेल करे ना, जब मैं हाथ काट लूंगी, ससुरी को कहिएगा ना, तो ससुरी धमनी काट, धमनी ये वाला धमनी काट, नहीं काटेगी, बहुत होशियार होती है ससुर सब। तो आपको कोई इस तरह से उलझाए तो उलझिएगा नहीं, किसी को लाइफ में मनाइएगा मत। एक बार मना दिए ना, जिंदगी भर मनाना पड़ेगा, नहीं तो हर 2 मिनट पर उठेंगे हम खाना नहीं खाएंगे, छोड़ दीजिएगा भूखले। आप कितना दिन कोई भूखे रहेगा, जब खाना खाने जाए तो टोक दीजिए, हे तुम तो गुस्सा थी, बोली थी कि खाना नहीं खाएंगे, मत खा मत खा। ससुरी को 15 दिन तक ऐसे भूखे कटा दीजिएगा, देखिएगा जिंदगी भर कबो ही नहीं बोलेगी कि हम खाना नहीं खाएंगे। जब जब याद आएगा कि ससुरा बहुत जल्ला आदमी है, 15 दिन भूखले छोड़ दिया था। अब देखिए ना, स्टार प्लस पे भयानक, उनको भी पता है कि महिलाएं देखती है तो प्रचार देगा। ये देखिए फेरन लगली, मात्र 4 हफ्ते में चमगादड़ से परी बन जाइए तुरंत। सऊदी अरब का नाम एगो लड़की थी, उसका नाम था लैला, और यमन का एक लड़का था जिसका नाम था कैस। यमन का एक लड़का था नाम था जिसका नाम क्या था, कैस। यहाँ पे लड़कवा का नाम था कैस, और यहाँ एगो लड़की थी जिसका नाम था लैला। आई दोनों एक के बॉर्डर के पास के रहने वाले थे सर, दोनों में चक्कर चल गया। लैला फंस गई किससे, कैस से फंस गई लैला, समझे। तो गाँव में हल्ला हो गया और सऊदी अरब में कि लैला फंसल है वो कैश से, और कैश मिलने चल जाता था बार बार लैला से, आईयो इन्हें चलाती थी। तो एक बार सऊदी अरब वाला ना ये कैश को पकड़ के बड़ी मार मारा सब, ससुरा का हाथ गोड़ तोड़ दिया सब, यहाँ पे एकदम मुंह हाथ फोड़ दिया सब एकदम बेचारा। अब कैश आया यहाँ पे, हल्दी चूल्हा छापा गया उसको, यहाँ पे आराम किया, हल्दी दूध पिया, फिर तन सा सही हुआ, फिर चल गया उससे मिलने लैला से, फिर बड़ी बांस मारा सब, बांस से मारा सब, उसका हड्डी उड्डी तोड़ दिया सब कैश का। कैश एकदम परेशान था, कहता कि हम लैला के बिना नहीं रह सकते हैं, लैला कह रही है कि हम कैश के बिना नहीं रह सकते। देखिए जब भी लव होता है ना, लड़कियां नहीं पिटाती हैं सर, लड़की भी जहाँ तहाँ पिटाता है लड़की उड़की के मैटर पे, इसलिए बहुत कम रहिएगा लड़की के मैटर में, वरना पिटाना एकदम ठीक से समझ जाइएगा यहाँ पर। तो कैश जो था वो बार बार जाता था किससे मिलने, लैला से मिलने। सऊदी वाले पीट पीट के थक गए, कैसे कि दोस्त सब जाते ना, ये चट्टा मानिए नहीं रहा है, कितना मारिएगा। और रियलिटी में यार मारने की भी एक सीमा होती है, मारिएगा तो आप भी माया लगेगा कि नहीं लगेगा, कि बेचारा उसके प्यार में पागल है, पिटा रहा है। तो सब ने ना कैश को ना पागल घोषित कर दिया, कहा कि पागल है पागल। ये ससुर इधर से समुन्द्रवा में से तैर के चल जाता था इधर मिलने के लिए, ये होता है प्यार का नशा यहाँ पर, तो यहाँ पर चल गया यहाँ पर, समझ में आया। तो ये जाता था सब इसको कहें सर पागल, पागल है पागल है पागल है पागल है, तो सब कैश को क्या बोलने लगे सर, पागल। कैश का नाम क्या हो गया, पागल हो गया सब, पगला पगला पगला। कैश जाता था पगला पगला पगला, वो बेचारा फटल चिटल कपड़ा पहन के चल जाता था मिलने। तो बबुआ पगला जो शब्द है वो हिंदी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा में पागल को मजनू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मजनू कहा जाता है। तो ससुरा कैस का नाम हो गया मजनू, और ये कहानी प्रसिद्ध हो गई लैला मजनू। क्या हो गया, लैला मजनू। इतिहास गवाह है सच्चा प्यार मिल ही नहीं सकता है, समझ में आ गया कि नहीं। अरे कृष्ण और राधा का प्रेम अधूरा रह गया तो इंसान को नहीं डेक्ची का मसाला है, समझ आया कि नहीं। लेकिन सच्चा प्यार, अरे सच्चा प्यार केवल लात खिलवाता है। आपकी नौकरी हो जाएगी तो समझिए सब कुछ सही है, नौकरी नहीं होगा तो ऐसे ही पिटाते रहिएगा एन्ने उन्ने में, समझ में आया कि नहीं, बहुत लात खाइएगा, समझ में आ गया कि नहीं। स्टोरी सच की है कि झूठ की, अरे बकलोलवा सच्चे न है रे, अब कैसे झूठ के कहाँ से, अभी तो झूठ नहीं लग रहा है, इस इंसान के पास तो हृदय नाम की चीज़ नहीं है, इसको अभी भी लैला मजनू झूठ लग रहा है, हद है भाई। इसलिए हम नहीं रहते हैं इस सब चक्कर में, बारे बाबू शंकर शाह जी नहीं रहते हैं कि, नहीं रहते हैं कि कोनो पूछना रही है आपको।
शंकर साहू जी कर हम इसी चक्कर में नहीं रहते। अरे अगर किसी लड़का को लड़की पसंद नहीं आती है तो बहुत गड़बड़ है भाई, उसको डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। उधर गड़बड़ है, लेकिन कंट्रोल करके रखना चाहिए। पढ़ाई लिखाई सबसे जरूरी है, अगर नौकरी नहीं होगा ना तो लड़की का ब्याह हो जाएगा और कोई नहीं पूछने वाला आपको। लड़की नौकरी नहीं होगा ना तो लड़की क्या करेगी, उसके लिए कोई नौकरी वाला लड़का आएगा, ब्याह होकर चल जाएगी, आप उसके ब्याह में कुर्सी सीधा करिएगा कि मोहल्ले का बारात आई है, कुर्सी सीधा करे और चल जाएगी, आपके सामने देखबो नहीं करेगी। और 2 साल के बाद एगो बच्चा लेके आएगी और कहेगी कि बाबू बाबू मामा कहो मामा, अपने बचवा से आपको मामा कहवाएगी, बचा हुआ उम्मीद भी तोड़ देगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और नौकरी हो गया ना तो टेंशन फ्री। अगर आपकी नौकरी हो गई पूरा अच्छा से पीसीएस अधिकारी हो गए, एसडीएम बीपीएससी वगैरह निकालिए, पीसीएस स्टेट एग्जाम यूपी पीसीएस हर जगह के लड़के पीसीएस दरोगा और बड़ा पोस्ट पर जाइए, मस्त लाल बत्ती की गाड़ी से उतर के तब लाइन मारिए, तो लड़की का बाप भी देखेगा तो कहेगा अरे छोड़ दे भाई, ये ऐसा दामाद तो ससुरा सब ना में ना मिलते। अब बेरोजगार होके जाके लाइन मारेंगे ना तो बड़ी मार मारेंगे सब, लड़की का बाप मारेगा, लड़की का भाई मारेगा, लड़की का पहलका वाला मारेगा, सब मारेंगे सब वहाँ पर। लड़की कुछ नहीं होती है, लड़की के 4 गो बॉयफ्रेंड है, चारों को पीटेंगे तो चारों में कहेंगे ओ माय गॉड मत पीटो मत पीटो, अरे ससुरा सबनी को पिटवाएगी, ये सब चक्कर में मत पड़िएगा यार। सब कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। पाकिस्तानी इस वीडियो को क्यों ना देखें तो भैया आप देख लीजिए यहाँ क्यों ना देखें, क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं इसकी, और इसका नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल। जय हिंद। आज समझते हैं हम लोग 1962 के जो इंडो चाइना वार, जिसे इंडो साइनो वार कहा जाता है, उसमें भारत ने क्या क्या गलतियां की थी। देखिए जिस तरह से इंडिया को इंडियंस, इंडिया के रहने वाले को इंडियंस कहते हैं, आयरलैंड के रहने वाले को आयरिश कहते हैं, पाकिस्तान वाले को आतंकवादी कहते हैं, खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे छोटा श्राप बन, चार जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा। Hey, y'all, come look at this. एक से दूसरा जुड़ा रहता है। आप यहाँ देखिए एक लंबी गैलरी दिखेगी, आप गैलरी देखिए, आप इधर इसको क्या ये ध्यान से देख रहे हैं, आप इधर मत देखिए, ये लंबी गैलरी देखिए। और लिक्विड की आपकी खासियत बताएं, इसमें खिंचाव बल काम करेगा जो क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहेगा, चिपका देगा, जिस वजह से महिलाओं को पता है कि इनका बाल चिपक जाएगा तो फिर लहराएगा कैसे, तब क्या करती हैं सही सब। आगे जैसे भाभी जी को देखिए, पूरा झोंझे बाल आगे गिरा दिए, एगो गमछा लेके फटाफट ऐसे मारेंगे सब, पूरा पानी क्या करेंगे 80% पानी निकाल देगी सब। अब कहेंगे हाँ अब है फिजिक्स का नियम, इनको फिजिक्स नहीं पता है कि सरफेस टेंशन की वजह से वो चिपक रहा था, वो पृष्ठ तनाव की वजह से चिपक रहा था, क्योंकि पानी अपने एरिया को कम करना चाहता है और बाल पे पानी लगा है, इसलिए पानी एरिया कम करेगा तो बाल को भी सटा देता है और बाल फंसने लगता है इन लोग का। अब इसीलिए कहते हैं, फिर कहती है सर अभी भी नहीं लहराएगा, लहराने के लिए पूरा पानी सुखाना पड़ेगा, तो ऐसे ना जूड़ा बांध देंगे सर, इसे तौलिया का लेके देखिए, पीटने के लिए गमछा पतर का और इसको मोड़ने के लिए खूब अच्छा तौलिया गदगदुआ, आधा घंटा इसे तौलिया मारने के बाद उसके बाद खोलने के बाद लहराएगा, समझा गया कि नहीं। तो ये देहात की महिला करती है सर, जो CBSE बोर्ड की महिलाएं रहती है ना वो एक ड्रायर रख ले रहती है सर, देखिए भोपू टाइप का है ना ड्रायर, बलवा खोल के इसे धुआं मार के होके सुखा देती है सर, CBSE बोर्ड वाली होती है सर। और तुम लोग ससुराल लड़की को देख रहे ना, अरे बकलोल कही का कितना समझाए तू लोगों को, लड़की सबको देखिए उन सब का हर अलग अलग डिजाइन का बाल झाड़ने का होता है, लड़कों का जीवन क्या है एक हेयर स्टाइल पे जिंदगी बीत जाता है, उनके लिए अलग, स्कूल के लिए अलग, कोचिंग के लिए अलग, मार्केट के लिए अलग। और पूरा बाल झाड़ने के बाद लड़की सब एक बाल ऐसे यहाँ से नीचवा ऐसे गिरा देगी सब, और उसको 24 घंटा इसे सीधा करते रहेंगे सब। यहाँ पे इस सब पे मत चाहिएगा, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। हम आपको कल भी बताए थे अगर बाज की तरह उड़ान भरना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा, आप सब इधर ध्यान देता है सर, बकलोल का एग्जांपल दूसरा देते, अच्छे से पढ़ाई उड़ाई करके नौकरी उकरी लीजिए लोग, और नहीं नौकरी वगैरह नहीं हुआ ना तो घर वाला क्या करेगा सर, कैसे ही बूढ़ सूढ़ को थमा के भेज देगा, ले जाओ जो बनती है आलिया उसी को मिल जाता है कालिया, इसलिए ज्यादा मेकअप तेकअप पे ध्यान नहीं दीजिएगा, इन्हें की ठोड़ ओढ़ रंग के घूमने लगे हैं कोरोना के बीच में, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई वगैरह करिएगा तब ना आपको अच्छा घर द्वार मिलेगा, नहीं तो ऐसे थमा देगा किसी को घर वाला, कोई सरकारी नौकरी लेके आएगा कैसनो रहेगा एकदम करिया भूचेंगे लेके चल जाएगा, इसलिए सब लोग भाई पढ़ाई एकदम
ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना एक ट्रेंड चल गया, अजब हाल है भाई साहब। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरे पैसे से अगर आप मोबाइल खरीद लीजिएगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के हिसाब से उस मोबाइल पर अधिकार किसका होगा? मेरा होगा, क्योंकि पैसा मेरा है। तो आप सोचिए, आप बाप के पैसा से अगर लड़की पटाएंगे तो लड़की किसकी होगी इकोनॉमिक्स के हिसाब से? कौस्तव पात्रा सर, सीबीएसई वाला हूँ, बेइज्जती मत कीजिए। बेवकूफ कहकर सब सीबीएसई वाला हमारा बेइज्जती करके हमको सीबीएसई से भगा दिया था। हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते थे, अकेले उसमें काला थे, सब हमको कालिया कालिया बोलता था सब। और सीबीएसई वाला सब गोरा गोरा होता है, सब चाय बिस्कुट खा के बड़ा हुआ है सब। हम लोग तो रोटी चावल खाने वाले लोग, काला हो गए लोग। सुबह सुबह चाय गोरा था सर, हमको काला काला बोलता था। हम कहीं भाड़ में जाओ सीबीएसई बोर्ड, हम सीबीएसई छोड़ दिए, हिंदी मीडियम में चले आए। हमको सबसे ज़्यादा बेइज्जती किया है सीबीएसई बोर्ड वाला। हम काला हैं तो क्या हुआ, दिल वाला है सब बोलता था। कालिया कहीं का सीबीएसई में आ गया। चलो सागर कुमार कह रहे हैं कि सर मेरे मैप में फिलिस्तीन नहीं है, कहीं इजराइल उड़ा तो नहीं दिया? नहीं बाबू, अभी है नहीं, नदी है बाबू, इधर मिस्र में दिखेगा आपको। अरे पकड़ लो, कौन कर रहा है? राहुल सिंह बिटबो करेंगे, काश आपकी शादी सीबीएसई बोर्ड की लड़की से हो जाए, पगला जाएंगे हम, ना करेंगे हम। सीबीएसई वालों से मेरा थोड़ा भी नहीं जमता है। कर सीबीएसई वाला, माता लड़ा लेंगे हम। सुबह उठते मोमोज खाएगी, मोमोज बर्गर ये, अरे भाई ये सब हम लोग से होगा ही नहीं यहाँ पे। हो माय गॉड, दुकुन जुकुन क्रैचअप ये सब दुका दुका खाता है, घास भूस कुछ खा जाता है सब दुका। सुबह उठते टोस्ट गर्म करेगी, अरे हम लोग कौन चीज, रात में चावल बच गया भूज के खा जाओ, रोटी बच गया तवा पे तल के चाय से खा जाओ। तो हिंदी मीडियम वाला लो भाई, हमारा कहता है सीबीएसई वाला से ब्याह हो जाए, पिटबो करेंगे हम। प्यार व्यार धोखा है, पढ़ लो बेटा, मौका है, दूर ससुर से। मेरी वाली सीबीएसई बोर्ड की, लेकिन मैं उसको हिंदी वाली सीबीएसई बोर्ड वाली ससुर से दिन रात गिफ्टें मांगती होगी। जब आले हम गए थे उसमें, क्या नाम है, अभी तबीयत ठीक नहीं था तो दिल्ली गए हुए थे, थोड़ा एम्स में। तो एक लड़का था, वो फोन पे बतिया रहा था, तो सुनाई नहीं देता है। हम लोग खाना खाने बैठे थे, तो ओकरी वाली कह रही है कि हमरा डंकी डोनट चाहिए, डंकी डोनट। हम कहीं से सुन रहे, गधा के मीट मांग रही है क्या ऐसे? डंकी डोनट, हम कहीं कौन सा खरीद रहा है? देखे उस सोच रहे को इतने जलेबी टाइप का था, कुछ खरीद के लेके चल गया अपनी वाली के लिए। तभी हम समझे कि पक्का ही सीबीएसई वाली है। अरे तो कौन सी खा रही थी, एंगन गोल टाइप का था, अगर ये डंकी डोनट, हमारा लगा गधा का मीट खाएगी। तब समझ में आना है डंकी डोनट कुछ दूसरा चीज होता है। अगर पढ़ा लिखा आदमी रहेगा ना, खूब पहुंच वाला रहेगा, बूढ़ो रहेगा तो शादी कर लेती है सर, क्योंकि सब होशियार होती हैं सर, जानती हैं सर कि एक तो इसका इनकम है, दूसरा इसके पास दिन कम है, कम में दिन में मर जाएगा, फिर दूसरा खोज लेंगे, पहलका वाले से कह देंगे आ जाओ। समझ में आ रही नहीं आ रहा, किसी कोई दिक्कत? आगे देखिए, एशिया कंप्लीट होने दो फिर समझाएंगे। रजत सिंह है, एशिया किन किन देशों से अलग होता है और एशिया यूरोप में कौन सागर अलग करता है? वो एशिया कंप्लीट हो गया कि लगे कूदने। आगे समझते हैं, ये बोलता है मेरी वाली अनपढ़ रे बकलोल कहीं। कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, वाह वाह बम का जमाना है, उड़ा दो साले को। अरे पहले की लड़की बोलते थी सब कोई पत्थर से ना, आज की लड़की क्या बोलती है? आया बाहर है, जिया बेकरार है, आजा मोरे बलमान है तो दूसरा तैयार है। पकलोल कहीं, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ओ माय गॉड, सो दिस वाज वेरी अमेजिंग। आई मीन खान सर के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, जिस तरह से वो एग्जांपल देते हैं एक अच्छी चीज़ है कि इतने स्ट्रगल के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और फाइनली उन्होंने खुद का अपना एक रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश किया है। आई विश ऑल द बेस्ट टू खान सर, एंड इसी तरह आप अपनी कॉमेडीज़ के साथ बच्चों को पढ़ाते रहिए, बिकॉज पढ़ाई जो है वो इसी तरह के एग्जाम्पल्स के साथ होती है, जब बात आपके दिमाग में बैठ जाती है तो आप उस चीज़ को भूलते नहीं है। और आई थिंक आपका ये यूनिक वे ही है जो आपको सारी टीचर्स से डिफरेंट बनाता है और उसने आपकी आइडेंटिटी क्रिएट कर दी है। तो आपको कौन सा एग्जाम्पल उनका अच्छा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप सब ज़रूर अपना ध्यान रखिएगा, और उम्मीद है आप इस वीडियो से मुस्कुराए ज़रूर होंगे। तो जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।